चैनल, दिस इज मी अस्मा राशिद अली। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी दराज शॉपिंग हॉल। यस, तो फ्रेंड्स ये हैं वो सारे पार्सल्स जो कि मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं। तो अब इनको एक एक करके ओपन करते हैं, और कुछ जो है वो मैं ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ। सबका रिव्यू मैं एक एक मतलब वन बाय वन में आपको एक एक चीज का रिव्यू दूंगी और दिखाती जाऊंगी। स्टोर से मंगवाया है, और साथ ही साथ इन चीज़ों का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि अगर आपने मंगाना हो तो आप वहां से मंगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले जो है हम अपना ये वाला पार्सल खोलेंगे। ये पार्सल जो है ये भी मैंने दराज से मंगवाया है। इवन की मतलब सारी शॉपिंग मैंने दराज से की है, तो वन बाय वन पार्सल्स खोलते जाएंगे और मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो उसके लिए हमें नीड होगी सीजर की। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज जो मैंने अनबॉक्स की है वो है ये इविल आई। ये मैंने मंगवाया था, लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये साइज में मुझे थोड़ा छोटा लगा है, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा इससे बड़ा एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है, दैट्स फाइन, ठीक है ये भी। और ये मैंने पहली चीज ये मैंने मंगवाई है। करते हैं ये वाला पार्सल। तो ये मैंने मंगवाया था रिदा के लिए। ये आजकल आप लोग देख रहे होंगे दराज पर ये काफी चल रहा है। तो एक मिनट में पहले दिखाऊं, एक मिनट में दिखाऊं, पहले रुक जाओ। हाँ, तो अभी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आईपैड, ये पहले से इस पर निशान पड़े हुए हैं। इसके साथ आपको एक ये पेंसिल आएगी, और इस पर आप जो है जो चाहे आप इस पर लिख सकते हैं। और तो अब ये रिदा के लिए है, और इसका नाउ लेट्स ओपन आवर थर्ड पार्सल। और फ्रेंड्स थर्ड चीज जो है वो ये मैंने शैम्पू मंगवाया था। मैं शैम्पू, फेस वॉश होगा, ये सारी चीजें जो है वो मैं दराज से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि वहां से आपको जो है वहां से जो है आपको सही मतलब दराज मॉल से सही चीज भी मिल जाती है, और रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाती है आपको। और नेक्स्ट पार्सल है फ्रेंड्स ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किया है, बट इसको मैं पहले ही ओपन कर चुकी थी। ये जो है ये है फर्नीचर पॉलिश। तो अपना फर्नीचर क्लीन करने के लिए मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो कि फर्नीचर को भी ना खराब करे और जो है शाइन भी आए फर्नीचर में। तो मैंने दराज पर ये देखा, तो मैंने फौरन से ये ऑर्डर कर दिया। अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया है, इसको मैं कल ट्राई करूंगी, और फिर मैं आपको इसके रिव्यूज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड नाउ लास्ट पार्सल जो कि मैंने बहुत ज्यादा दिल से मंगवाया था, दिस इज ए स्टोर। ये दराज से ही मंगाया था, बट ए स्टोर का मॉल है दराज पे, तो ये मैंने वहां से मंगवाया था ए स्टोर से। और अब ये मैंने कि किस तरह का बैग है और मैंने मंगवाया था ये। मैंने बाय किया है, और ये है वो परचेस किया था ईद के दिनों में। मैंने इसको जो है ऑर्डर किया था, तो ईद पे जो है वो स्पेशल डिस्काउंट चल रहा था, तो मुझे 10% ऑफ मिला। और ये कुछ इस तरह से है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कैरी करने में भी इजी है अंदर से भी इसका, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है अंदर से। और ये इसके अंदर का स्टफ, ये करीब से मैं आपको दिखाऊं, ये देखे, ये इसका ये रेगजिन भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और इसके अंदर आपको एक और सेंटर में जो है ये पॉकेट दिया हुआ है, इसके अंदर आप अपना कोई मोबाइल वगैरह कुछ भी कैरी कर सकते हैं। और ए स्टोर तो वैसे ही आप लोगों को पता है बहुत नाम वाला ब्रांड है, अच्छा है। और ये जो है मुझे वाउचर लगाने के बाद जो है ये 2250 का मुझे फ्रेंड्स पड़ा है ये बैग। और अंदर इसके जो है ये इसके साथ ये भी आया है कि आप इसको अगर चाहें तो इस तरह से भी कैरी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये कुछ पार्सल हैं जो कि मैंने पहले मंगवाए थे, इसका मैंने शूट नहीं किया था, बस मैंने कहा मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। और ये शैम्पू और फेस वॉश पे जो है अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, अच्छी डील लग रही थी, तो मैंने दोनों मंगवा लिए। एक शैम्पू और मैंने अलग से मंगवा लिया, वो मैं रख देती हूँ, काम आ जाता है। और ये मैंने मैगी मंगवाई थी, मैगी भी जो है सही रेट्स में मिल रही थी, तो ये भी मैंने वहीं दराज से मंगवा ली। और
फ्रेंड्स, ये जो है एक कुर्ती जो है मैंने ऑर्डर की थी सफ़ायर का, अपना जो है दराज पर मॉल है सफ़ायर के नाम से, ओरिजिनल जो है वो आउटलेट है वहाँ पर, आपको ओरिजिनल शर्ट्स मिल जाएंगी। तो ये मैंने सफ़ायर से ऑर्डर की थी जो कि मुझे पड़ी है 2303 की, और आप देख सकते हो कि ये स्टिच है और बहुत प्यारी लग रही थी। इसकी स्लीव्स पे जो है इस तरह से ये स्लीव्स पर ये टिशू का कपड़ा और इस तरह से जो है वो वाइट कलर में लेस लगी हुई थी। मैं इसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप अगर लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको सेम चीज़ जो है वहाँ पे मिल जाएगी और आगे का नेक इस तरह इसका। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की शॉपिंग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग कहते हैं कि दराज से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, हम मंगाते कुछ और हैं और आता कुछ है, तो वो भी मैं आपको टिप दे देती हूँ कि आपने बस जो आपने प्रोडक्ट देखा और ऑर्डर कर दिया, इस तरह ना किया करें प्लीज़। आप अगर कोई प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आप नीचे जाएँ, उसके सारे रिव्यूज़ होते हैं, आप उसके रिव्यूज़ पढ़ें कि लोग क्या कह रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं तो रिव्यूज़ अच्छे से चेक करके आप वो पार्सल अपना जो है ऑर्डर किया करें, फिर कभी आपका जो पार्सल है वो कभी गलत नहीं आएगा, सेम चीज़ आएगी बिल्कुल। और कोशिश किया करें कि दराज मॉल से ही आप ज़्यादातर परचेसिंग किया करें। तो बस ये दो टिप्स हैं जो कि आपने याद रखनी है दराज शॉपिंग के दौरान। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।